हर साल आप देखते होंगे कि विश्व भर में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव अधिकार कहने का मतलब है कि आपके ऊपर कोई पाबंदी ना रहे, आपको खुली छूट मिले, कहीं आपको जाना है वहां आने जाने की, आप क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, समझ रहे हैं, इस सब की छूट होनी चाहिए। आपने देखा होगा हमारे संविधान में भी आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन ये अलग बात है कि हमने देखा होगा कि उसका उपयोग हर कोई नहीं कर पाता है। आप समझते होंगे कि जो अधिकार आपको दिए गए हैं शायद आपकी नजरों में इसकी कोई कीमत ना हो, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो आसानी से मिल जाता है और जिसकी कीमत हमने ना चुकाई हो, उससे कोई भी काम हो उसकी कीमत हमारी नजरों में कुछ नहीं होती है। इसके लिए आप समझिए, आपको अधिकार, आपको आजादी दिलाने के लिए कितने लोगों ने शहीद हो चुके देश के लिए, कितने लोगों ने एक तरह से अपनी बलिदानी दी हुई है, इस बात को नहीं समझते होंगे शायद आप। समझिए कि 13-14 साल की उम्र में भी बच्चों ने अपनी, मतलब खेलने खालने की उम्र थी जिसकी, उसने भी आपके लिए आजादी पाने दिलाने के लिए एक तरह से शहीद हो गए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों को तो आप जानते होंगे भली। आप समझिए कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आपको आरटीआई सूचना का अधिकार और लोकपाल दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन करता है, उसका उपयोग भी आप लोग नहीं कर पाते हैं। सूचना का अधिकार एक तरह से आपके लिए रामबाण है, आपका कोई काम नहीं हो रहा है या कहीं घपला हो रहा है आपके गांव से लेकर कहीं भी तक, आप उसके तहत कुछ भी कर सकते हैं, जानकारी पा सकते हैं कि आपका काम क्यों नहीं हुआ है, आपको उस योजना का फायदा क्यों नहीं मिला हुआ है, लेकिन हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं। आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं, अगर उनका कोई हनन करता है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत आप हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, आपको पूरी सुरक्षा देगा सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट, लेकिन फिर भी हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। चलिए एक सामान्य जानकारी दे देता हूं, और भारतीय संविधान में जहां मौलिक अधिकारों को जगह मिली है उस पर हम लोग थोड़ी बात कर लेंगे। एक तो सबसे पहले पॉइंट याद रखना है कि विश्व भर में 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है, और वन डे एग्जाम में वन लाइनर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहां तक कि एमपीपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, समझ रहे हैं आप लोग। सिविल सर्विस में भी कई बार क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना रहती है, और मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं आप लोगों से कम आप लोग 5 से 7 साल के पुराने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के पेपर उठा के देखिए, उसमें कहां किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर देख लें तो। ये अलग बात है कि रिपीट नहीं होंगे, सिविल सर्विस में रिपीट नहीं होगा क्वेश्चंस, लेकिन उससे एक अंदाजा लग जाएगा आपको कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एमपीपीएससी पीएससी में तो कई बार आपके हो जाते हैं रिपीट, और वैसे भी आपके 5 से 7 साल के क्वेश्चंस पेपर सिविल सर्विस, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस के हम सॉल्व करवा चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट सूची में जाइए, वहां देखते रहिए। याद है कि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था, इसीलिए इस दिन को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा के तहत मानवीय दृष्टिकोण और राज्य तथा व्यक्ति के बीच संबंधों को लेकर कुछ सामान्य बुनियादी मूल्यों का एक सेट स्थापित किया गया है, और इस वर्ष की आपकी जो थीम है इसे जरूर आप याद रखिए, क्योंकि थीम से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। 2020 की थीम रही है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, और वैसे भी इस तरह की मैं इसलिए बोल रहा हूँ, करंट में जो भी टॉपिक रहते हैं वही आपकी सिविल सर्विस स्टेट पीस में पीसीएस में पूछते हैं। आपने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक ने एक विवाह पर धर्म परिवर्तन के नाम पर एक कानून लाया हुआ है, समझ रहे हैं, तब भी आपके अधिकारों की बात उठने लगती है कि आपको किसी से शादी करना है, किस धर्म से करना है, किस जाति से करना है, किस समूह से करना है, इस पर भी पाबंदी लगाई जाए, ये तो आपकी आजादी है ना। आपने देखा होगा पिछले साल क्वेश्चंस पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि अपने मर्जी से शादी किस आर्टिकल के तहत आपको सुरक्षा दी गई, आर्टिकल 21 के तहत दिया गया था उसमें, ठीक है, और लिखित परीक्षा में भी पूछ सकता है आप आपसे। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो मानव अधिकार का अधिकारों का आशय ऐसे अधिकारों से है जो जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त होते हैं। एक बात और आपको बताऊं यार, अधिकारों का मतलब ये नहीं है कि आपके देश की अखंडता, देश की एकता और शांति को भंग कर सके। मान लीजिए आपको कोई संगठन बनाने की स्वतंत्रता है,
आपने देखा होगा आर्टिकल 19 के तहत आपको कोई भी संगठन या समूह बनाने की स्वतंत्रता है। कोई संगठन ऐसा भी नहीं बना सकते हैं आप लोग कि जिससे देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचे, किसी और व्यक्ति की आप आजादी छीन लें। तो कहते हैं कि जब आप दूसरे के अधिकारों का हनन करने लगते हैं, तब आपके अधिकारों पर एक तरह से प्रतिबंध लगाए दिया जाता है। ठीक है, आपका आजादी आपको वहां तक मिली हुई है जहां तक कि दूसरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, मानव अधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम एवं शिक्षा का अधिकार आदि शामिल है। मानव अधिकारों के संबंध में नेल्सन मंडेला ने कहा था कि लोगों को उनके मानव अधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। एक एक बार आप लोग ऐसे देश में रख के देख लीजिए अपने आप को कि आप कहीं जा नहीं सकते हैं, आप कुछ पहन नहीं सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी का खाना नहीं खा सकते हैं, आप कहीं भी कोई पार्टी नहीं बना सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते हैं, वहां अपने आप को कहां सम्मान से रख पाएंगे आप? समझ रहे हैं आप लोग? यही है। और याद रखिए, जब भी आंसर राइटिंग आप करते हैं तो इस तरह के कोट्स डाल दिया करिएगा। अगर मानव अधिकारों से संबंधित कुछ आप लिख रहे हैं तो उसमें आप इनका नेल्सन मंडेला साहब का ये कथन डाल सकते हो। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कन्वेंशन और निकाय की बात अगर हम करें तो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, इसके अंतर्गत अधिकारों और स्वतंत्रताओं से संबंधित कुल 30 अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता और गोपनीयता जैसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं। भारत ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का के प्रारूपण में सक्रिय भूमिका अदा की है। यह किसी भी प्रकार की संधि नहीं है, अतः यह प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी देश के लिए कानूनी दायित्व निर्धारित नहीं करता है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट तथा इसके दो वैकल्पिक प्रोटोकॉल्स को संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक के रूप में जाना जाता है। इस बात को तो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि हमारे देश में भी इस तरह की सुविधा हो जानी चाहिए कि शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार एक तरह से आपको मौलिक अधिकारों में जोड़ देना चाहिए। वैसे आप देखते होंगे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए तो आपका आर्टिकल 21 काम है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जो हुआ था उसके द्वारा मिल चुका है। लेकिन मेरा मानना है कि आप कितनी भी शिक्षा पढ़ें, डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, सब कुछ फ्री होना चाहिए या इतनी मामूली राशि होनी चाहिए कि जिसे हर कोई क्रय कर सके। बस्ती का वो जो जो रिक्शा चलाता है उसका भी बेटा इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सके, इस तरह की सुविधा होनी चाहिए। वरना आप देखते हैं कि जिसके पास पैसा है, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, वो तो अपने बच्चों को वीआईपी स्कूलों में पढ़ा लेता है। और स्वास्थ्य की व्यवस्था आती है तो आप देखते हैं कि वीआईपी लोग तो अपने लिए ट्रीटमेंट वीआईपी हॉस्पिटल में ले लेते हैं, लेकिन गरीब कहाँ जाता है? सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए रह जाता है। और सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूलों की क्या हालत है दुनिया, हमारे देश में? ये तो आप दुनिया सब कुछ जानते हैं, आप लोग जग जाहिर है एक तरह से। अन्य कन्वेंशन इसमें की बात करें तो ये कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड वर्ष 1948, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेसियल डिस्क्रिमिनेशन वर्ष 1965, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन वर्ष 1979, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन 1989, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन 2006 है। इन कन्वेंशन को भी आप लोग याद रख सकते, भारत इन सभी कन्वेंशन का हिस्सा है, इनमें भारत सभी में शामिल है। अगर बात करें मानव अधिकार परिषद की तो मानव अधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर के अंतर सरकारी निकाय है जो मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में कार्य करता है। यह संयुक्त राष्ट्र के 47 देशों से मिलकर बनी है जिनका चयन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा प्रक्रिया को मानव अधिकार परिषद का सबसे अनूठा प्रयास माना जाता है। इस अनूठे तंत्र के अंतर्गत प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार संयुक्त राष्ट्र के सभी 192 सदस्य देशों के मानव अधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा की जाती है। बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल की तो यह मानव अधिकारों की वकालत करने वाली कुछ स्वयंसेवकों का अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन पूरी दुनिया में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1961 में पीटर विंसेंट
नामक एक ब्रिटिश वकील द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय भी आपको लंदन में देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके बारे में भी याद रखिए। अगर भारत की बात करें तो हमारे यहाँ भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। भारत में मानवाधिकार की बात करें संविधानिक प्रावधानों की, तो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित लगभग सभी अधिकारों को भारतीय संविधान में दो हिस्सों मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में शामिल किया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके अगर जो भी अधिकार मौलिक अधिकार में जुड़े गए हैं उनका अगर कोई हनन होता है, उनका आपको फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आप सहायता ले सकते हैं। लेकिन राज्य नीति निदेशक सिद्धांत राज्यों पर निर्भर रहते हैं। राज्य देना चाहे तो आपको दे सकते हैं वो सुविधाएं, नहीं देना चाहे नहीं दे सकते। इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की मदद नहीं ले सकते, ठीक है, याद रखिए। मौलिक अधिकार की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 की बात कर रहा हूं मैं, इसमें दिए गए। इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संविधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। 32 आर्टिकल के तहत संविधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसे आपके अधिकार एक तरह से संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आप समझिए कि आपको हजार तरह के अधिकार दे दिए जाएं, जब उनका आपको फायदा ही नहीं मिल पा रहा हो तो क्या मतलब है उसका। उसी तरह मैं कहता हूं कि जिस तरह हजारों योजनाएं लाई जाए और निचले के तबके तक जब उसका फायदा ही नहीं मिल रहा हो तो क्या मतलब है उस योजनाओं का। अभी आप लोगों ने देखा होगा MPPSC के लिए MP स्पेशल पढ़ा रहा था, बहुत विस्तार से हम लोगों ने बात भी की है उसमें MPPSC को ध्यान में रखते हुए। उसमें आपने देखा होगा कि MP में कई हजार योजनाएं हैं गरीबों के लिए और जो निचले तबके के लोग हैं। लेकिन मैंने कई जगह ऐसा देखा है, कई लोगों से पूछा है, उसका फायदा मुश्किल से 2-4 लोगों को मिल रहा हो एक गांव में, बहुत बड़ी बात है। कई बार आपने देखा है हम लोगों ने RTI भी डाली है उस पर, तो आप उसमें भी कई लोगों के उजागर हुए हैं, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसमें आपका मौलिक अधिकारों के लिए संविधानिक उपचारों का अधिकार का कहने का मतलब है कि आपके अधिकार नहीं मिल रहे हैं आपको, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाईकोर्ट जाइए, आपको वो दिलाएंगे, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए। इसमें सामाजिक सुरक्षा अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार चयन का अधिकार, बेरोजगारी के विरुद्ध सुरक्षा, समान काम और समान वेतन का अधिकार, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, मुक्त कानूनी सलाह का अधिकार शामिल है। क्या है ये सभी शामिल है। और एक बात और बताऊं आपको, आपने देखा होगा कि भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार कक्षा 11वीं की आपकी NCERT है, उसमें हम लोगों ने एक चैप्टर भी पढ़ा हुआ था, तो वहां जाकर आप लोग देख लीजिए, बड़े विस्तार से बात की थी आपकी जो भी मौलिक अधिकार है, कर्तव्य, बड़े विस्तार से बात की है, ठीक है। और अगर संविधानिक प्रावधानों की बात करें तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में केंद्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन की बात की गई, जो संविधान में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के संरक्षण और उससे संबंधित मुद्दों के लिए राज्य मानव अधिकार आयोग के आयोगों और मानव अधिकार न्यायालय का मार्गदर्शन करेगा। आपने देखा होगा 2020 से पहले जो 2020 तक MPPSC हुआ है आपका, उसमें आपने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में क्वेश्चन पूछे जाते थे इससे भी। लेकिन आपने देखा है कि उसके बाद आपका सिलेबस से आगे की पाठ्यक्रम चेंज हो चुका है, तो अब नए पाठ्यक्रम के आधार पर जो पेपर होगा उसमें देखने को मिलेगा कि कितने क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इतना क्लियर है कि पूछे जाते रहेंगे, ठीक है। हाल में कुछ घटनाएं भी, इन्हें भी देख लीजिए। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति और नागरिकता संशोधन अधिनियम के कारण भारत पुनः मानवाधिकारों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ गया है। आर्टिकल 370 हटना अच्छी बात है, लेकिन आप सोचिए कि उन्हें वहां की जनता को भरोसे में ना लेना एक गलत बात है। वही हाल है कि अभी आपने देखा होगा किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि विरोध कर रहे हैं। आपने मान लीजिए कि आप उनके लिए कानून ले आए हैं तो उनका भी भरोसा जीत लेना चाहिए था ना, कि वो भी क्या चाहते हैं, समझ रहे हैं। 2014 से अब तक सरकार विदेशी संस्थान विनियमन अधिनियम के तहत 14,000 से अधिक गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण रद्द कर चुकी है। इस कार्यवाही के तहत मुख्य तौर पर सरकार के आलोचकों की को लक्षित किया गया है। बीते कई वर्षों में से मुस्लिमों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों समूहों के साथ साथ दलितों और आदिवासियों के विरुद्ध बड़ी संख्या में लिंग जाति आधारित अपराध की घटनाएं दर्ज की गई हैं। और मुस्लिम और दलित समूहों के खिलाफ नहीं, आपने देखा होगा महिलाओं के साथ भी भेदभाव किया जाता है इस तरह का। फिर आप देखेंगे फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में भारत को तिमोर लेस्ते और सेनेगल के साथ 83वें स्थान पर रखा गया है।
इस वर्ष का भारत का स्कोर 4 अंक गिरकर 71 हो गया है, जो इस वर्ष विश्व के 25 सबसे बड़े लोकतंत्र के स्कोर में सबसे अधिक गिरावट है। यानी कि वही है कि हम लोग ऊपर से नहीं टॉप कर रहे हैं, हम लोग निचले से टॉप, नीचे स्तर से टॉप कर रहे हैं। हमारा स्कोर उन देशों के साथ रखा जा रहा है, उन देशों से हमारी तुलना की जा रही है जो एक तरह से गिरे हुए हैं, जहां मानवाधिकारों का कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं आप? अफगानिस्तान, पाकिस्तान में आप देखते हैं, चाइना में आप देखते हैं, कई देशों की, तो हमारे पड़ोसियों की हमसे भी अच्छी रैंकिंग है, तो ये भी देखने को मिलेगा। हमारी सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं उन्हें भी देख लीजिए। कोरोना वायरस महामारी के दौरान सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक भोजन सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, ताकि कोई भी भूखा ना रहे। इसमें भी आप देखेंगे, ठीक है योजना ले आए, लेकिन कितने लोगों को इसका फायदा मिला है? मैं तो कहता हूं कि अगर काफी लोग अगर भूख से बच पाए हैं, तो समाज सेवी संगठन थे, उन्होंने काफी मदद की है इस क्षेत्र में। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के सशक्तिकरण के लिए मनरेगा के तहत किए गए काम की मजदूरी दर में वृद्धि भी हो गई है। सरकार ने महामारी से प्रभावित प्रवासी मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और जीवन यापन में उनकी सहायता करने के लिए उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष धन हस्तांतरण की व्यवस्था भी की है। काफी लोगों का इसका फायदा भी मिला है। मनरेगा का भी काफी लोगों को इसका फायदा मिला है। मनरेगा ने काफी मदद की है, जो बाहर से लौटे हुए थे प्रवासी मजदूर थे, जो दिल्ली, गुजरात या आप देखेंगे मुंबई जाते हैं, वो जैसे ही अपने राज्य में लौटे, अपने गांव लौटे, तो इसके तहत उनका जो भी जीवन यापन रहा ठीक चलता रहा। इसमें आगे की राह क्या हो सकती है? तो मानव अधिकारों को सतत विकास लक्ष्यों SDG का केंद्र बिंदु माना जाता है, क्योंकि मानवीय गरिमा के अभाव में कोई भी व्यक्ति सतत विकास की उम्मीद नहीं कर सकता है। मैं बार बार आप लोगों से कई बार बोला भी हूं कि जो SDG है, आपके सतत विकास लक्ष्य, इन्हें जरूर आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिए, क्योंकि जब आप लोग लिखित परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं या निबंध लिख रहे हो, और या कार्मिक परीक्षा में भाई कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें भी इनका उपयोग हो सकता है और होता रहता है। ठीक है, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण गरीबी तथा असमानता को कम करने और मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने की दिशा में हो रहे प्रयासों पर गहरा प्रभाव पड़ा है, और गरीबी, असमानता, भेदभाव जैसे मुद्दों ने और भी गंभीर रूप धारण कर लिया है। इन अंतरालों को कम करने तथा मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के प्रयासों के माध्यम से ही अधिक बेहतर और सतत विकास का निर्माण सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी मानव अधिकारों की। और याद रखिए, इस तरह की जो भी बातें होती हैं, उन्हें आसपास अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप भी उसमें जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है वही जाए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, आप भी उसकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि करते रहना चाहिए इस तरह की, और इस तरह के जो भी पॉइंट है उन्हें भी याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाएंगे।